कौन? नहीं पहचान सके ना आप? जो हमेशा आपके नजदीक रहना चाहता था वो आज इतना दूर हो गया है कि आज आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे। अरे यश, यशराज, जीते रहो जीते रहो बेटे। यश कैसा है रे तू? बस जिंदा हूं। इतने मायूस क्यों हो? संगीत साधना में कोई कमी रह गई क्या? संगीत की साधना? नहीं नहीं गुरु महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। यश, यश तुम तो अभी भी बच्चे लगते हो, बिल्कुल पहले की तरह। और इस भगत को देखो, कितनी जल्दी बुढ़ा हो गया है मेरी तरह। महाराज ये देखिए, बाल भी तो झड़ गए हैं। बाल तो इसके पहले से ही झड़ते थे, तुम्हें याद है ना यश? हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन आप भी तो भूले नहीं हैं गुरु महाराज। भगत के रंग रूप तक का ध्यान है आपको, और मुझे मुझे तो आज भी आप एक एक बच्चा समझते हैं, ना समझ बच्चा। तभी तो मैं आपके करीब कभी नहीं आ पाया। नहीं नहीं बेटे, ऐसी तो बात नहीं है। तुम तो हमेशा मेरे दिमाग में रहे हो। ख्वाहिश तो दिल में रहने की थी गुरु महाराज। दिमाग से दिल का रास्ता बहुत लंबा नहीं होता यश बेटे। जानता हूं, तभी तो मैं आपके दिमाग से दिल तक पहुंच नहीं पाया। महाराज छोड़िए इन बातों को। गुरु महाराज एक विनती है। कहो। मेरे घर चलिए, कुछ दिन वहां रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, नाम मत कहना। यश तुम्हारा ये आदर, तुम्हारा ये सम्मान मुझे स्वीकार है, किंतु अभी तो मैं कुछ दिनों यहीं रहकर अपनी बेटी शारदा की यादों के कुछ पन्ने पढ़ना चाहता हूं। भगत जी। महाराज मेरे टहलने का समय हो गया है शायद। जीते रहो। यही तो आपने भूल कर दी गुरु महाराज। शारदा को मेरी जिंदगी से छीन कर भगत को सौंप दिया, और फिर किसे क्या मिला? इन कड़वी यादों के पन्ने आज भी मेरी नजरों के सामने फड़फड़ाते रहते हैं गुरु महाराज। आप शायद ये नहीं जानते हैं।